तो यहाँ पर भी ना पत्थर गिरा है और आज ही गिरा है पत्थर। फिर तो ना जीसीबी भी वाले ना साड़ कर चुके हैं पूरा पत्थर। जब पहाड़ों पर से ना मिट्टी खिसकती है ना तो कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है, पूरा ना ऊपर से पूरा मिट्टी गिरी है नीचे। आज ना जगह जगह पर पुलिस वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ना काम स्टार्ट है, ऊपर जीसीबी लगी हुई है और काफ़ी सारे जितना भी काम कर रहे थे ना सभी अभी बैठे हुए थे। यहाँ से पर मुझे उतरना पड़ा कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ का ना थोड़ा सा घाटी ना ऊँचा था इसी चलते। तो ना काफ़ी भयानक बारिश हो रही है और इन बारिश में ना मैं फंस चुका हूँ। और सुबह सुबह देख सकते कितना प्यारा व्यू है ना। तो इन खूबसूरत व्यू के साथ आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। राधे राधे सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, झारखंड टू ऑल इंडिया की यात्रा में स्वागत है। तो सुबह की बज चुकी है कितना पता है, देख सकते हैं हाँ। तो गाइस सुबह नहीं है अभी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। और ना उत्तराखंड में ही समस्या है ना कि सुबह शाम 12 बजे दोपहर पता चलेगा ना, अगर मौसम ख़राब रहेगा ना तो पता चलेगा सुबह ही है। और ना आज मैं ना बुरी तरह फंस चुका हूँ और सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बारिश बंद हो और कब यहाँ से मैं निकलूँ, लेकिन बारिश ना इसी तरह गिरती ही जा रही है। और मैं ना मेरा सब क्या हुआ कि सुबह बारिश बंद हुई उस समय मैं पूरा पैकिंग करके वहाँ पर मैं साइकिल पर लाद दिया पूरा सामान। और जैसे ही सामान पूरा साइकिल पर रखा बांधा, उसके बाद जो बारिश गिरना स्टार्ट हुई अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही है और काफ़ी ख़तरनाक बारिश रही, काफ़ी ख़तरनाक। आज ना मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। थोड़ा सा बारिश बंद हो जाती ना तो मैं कुछ खाने के लिए अरेंज कर लेता, लेकिन बारिश ना सुबह से बस इसी तरह गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज़ है कि वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, वेट करते हैं बारिश बंद होने का, उसके बाद फिर देखते हैं निकल नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा सामान बांधा हुआ है। बस साइकिल बारिश बंद होना है, उसके बाद साइकिल पकड़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे अपनी यात्रा की ओर। तो दोपहर के बज चुकी 1:30 और ना अभी जस्ट बारिश बंद हो चुकी है। और जैसे बारिश बंद हुई ना वैसे मैं निकल चुका हूँ। और बारिश होने के बाद जो मौसम है ना नेक्स्ट लेवल का व्यू है। और उत्तराखंड में तो बारिश होता ही रहता है हर पल, आप कब होगा पता नहीं। तो फिलहाल मेरा 2 धाम यात्रा कंप्लीट हो चुका है। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी मैं 4 धाम यात्रा कंप्लीट करके यहाँ से निकलना चाहता हूँ उत्तराखंड से हिमाचल के लिए। और काफ़ी दिक्कत हो रहा था मुझे, क्योंकि एक दिन रुकना, अगर अभी से मैं 20 किलोमीटर में आगे चला जाऊंगा तो मेरे लिए 20 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो देखते हैं आज मैं कितना किलोमीटर में जा पाता हूँ। सुबह सुबह तो पूरा बारिश हुई थी, मौसम पूरा सुहाना है और देखते हैं आज मेरे साथ मामू यहाँ के लोग ना जीवन यापन कैसे करते होंगे। आज सभी ना सोच रहे होंगे यहाँ के लोग ना ज़्यादातर टूरिस्ट पर में ही निर्भर रहते हैं और कई लोग का बिजनेस भी है और प्लस में नौकरी भी है, सरकारी नौकरी भी है और खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन हमारे तरफ खेती बाड़ी इधर नहीं रहता है खेत, क्योंकि हर तरफ पहाड़ है तो खेत बहुत कम ही होता है। जो भी होता है ऑर्गेनिक होता है और वो ना खुद खाते हैं, बेचते नहीं हैं। हाँ, जिसका ज़्यादा खेत रहता है ना वो खेती करके बेच भी देते हैं। तो फिलहाल पुल तो क्रॉस कर लिया, आगे ना थोड़ा सा चखा है, उसके बाद भी ना ढलाव ही ढलाव है और यहाँ पर पुलिस चौकी है। तो यहाँ ऐसे भी उत्तराखंड में पुलिस वाले काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जय हिंद सर जी, जय हिंद। और यहाँ देख सकते पत्थर ना ऐसे लग रहा ना जैसे स्नेक का फन हो, कितना मुश्किल से काटे हुए ना और काफ़ी खतरनाक खतरनाक रास्ता है ये ना, काफ़ी डेंजरस रास्ता है, काफ़ी डेंजरस है। अब पानी गिरी है ना तो ऊपर से ना पानी टपक टपक है ना सर पर टपक रही है, इसी तरह ना ट्रेन को पहन चुका हूँ। और यहाँ ना काफ़ी बारिश ऊपर से हो रही है तो हमको किनारे से निकलना पड़ेगा जल्दी से। ओ हो, काफ़ी खतरनाक रास्ता है, काफ़ी खतरनाक रास्ता है और आगे ना और खतरनाक रास्ता मिलने वाला है, आप ना सोच से परे हो जाएंगे। सोचेंगे ना कैसे साइकिल से यहाँ इस रास्ते में साइकिलिंग कर रहा है। ओहो, और यहाँ पर ना एक पत्थर है जिसमें स्वास्तिक का निशान है और यहाँ पर ना पूजा पाठ करते हैं सभी लोग। और आगे ना काफ़ी खतरनाक रास्ता आने वाला है,
काफ़ी ख़तरनाक, क्योंकि ना वहाँ एक बार बादल फट रहा था ना तो पूरा मलबा ना रास्ते में आ गया था और वो काफ़ी ख़तरनाक है। वहाँ पर ना सभी मलबा हटा भी रहे थे जिस दिन आया था ना उस दिन, और उस दिन ना वीडियो में नहीं कर पा रहा था क्योंकि ना पूरा घाटी था ना, और घाटी में पूरा एनर्जी मेरा डाउन हो गया था, तो मैं वीडियो बनाता या फिर अपने आप को संभालता इसलिए ना मैं वीडियो नहीं बना रहा था। शायद ये मलबा ना पूरा बादल फटा था, ऊपर से ना पूरा पानी आया था और जितना भी पत्थर देख रहे ना सब ऊपर से ही आया था ये, और काफ़ी ख़तरनाक ये रास्ता बन गया था। अभी तो सरकार बना दे रही है, अभी पूरा काम स्टार्ट है ना, इसी चलते काफ़ी ख़तरनाक रास्ता ये, साइकिलिंग करना ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस रास्ते में। ओहो हो, अगर आप उत्तराखंड आएंगे ना तो यहाँ पर ना बहुत सारे लेबर मिल जाएंगे जो नेपाल से आते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि ना नेपाल में बहुत सारे गरीब लोग आते हैं और उत्तराखंड में काम करते हैं। चाहे बद्रीनाथ में आप सभी जितने भी जो एक पीछे जो टोकरी में लेके जाते हैं ना भक्तों का ऊपर, बहुत सारे उन लोग नेपाल से आते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ पाली चौक के आसपास, और अभी मैं इसलिए यहाँ पर रुका हूँ ना क्योंकि ना मुझे कुछ यूनिक चीज़ दिखाई पड़ा। देख सकते हैं ये पहाड़ है ना, ऐसे लग रहा ना जैसे महल हो, इधर भी दीवार हो इधर भी हो और बीच में पूरा महल बनाया गया हो, ऐसा मुझे अनुभूति हो रहा है। और यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं और काफ़ी प्यारा व्यू है ना, काफ़ी खूबसूरत, ऐसा लग रहा है पूरा बर्फ़ लदा हुआ है लेकिन कुछ नहीं बर्फ़ नहीं है। ये तो बर्फ़ के मौसम में नवंबर दिसंबर के मौसम में ना पूरा बर्फ़ बर्फीला रहती है, इसीलिए पहाड़ में ना देख सकते बहुत कम ही पेड़ पौधे मिलेंगे। इधर ना झरना देख सकते, कितना प्यारा झरना आ रही है, काफ़ी खूबसूरत प्लेस है यहाँ का व्यू ना। और यहाँ से निकलना ही मेरे फ़ायदा है क्योंकि ना कभी भी बारिश हो सकती है, पूरा वेदर ख़राब है, पूरा वेदर ख़राब है। और अभी बच्चों की कितना गाड़ी अंदर है तो निकालना पड़ेगा ना, तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। ओ तेरी मस्त मस्त दो नैन, मेरा दिल को ले गया चैन, मेरा दिल को ले गया चैन। मैं किसी तरह कहीं पहुँच जाऊँ ना जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ ना तो काफ़ी मज़ा आता। फिलहाल ऐसे मंजर को देखकर ना मेरा दिल ना गदगद गदगद हो रहा है और ऐसा लग रहा है मैं इसी तरह चलाता रहूँ आगे बढ़ता रहूँ। और ये गाड़ी में ना सभी श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ महाराज जी का। तो काफ़ी खूबसूरत है उत्तराखंड के पावन धरती, बड़ा खूबसूरत है उत्तराखंड की मीठी। तो अभी मैं इंटर करने वाला हूँ पंदुकेश्वर, एक छोटा सा गांव है इस गांव का नाम है, और बहुत सा कम ही लोग यहाँ पर रहते, जिससे हमारे गांव में 200-300 घर रहता है ना, लेकिन उत्तराखंड में वैसा नहीं मिलेगा। बस एक गांव है वहाँ पर कम से कम 10-12-15 घर ही मिलेगा, गांव है लेकिन जितने भी घर हैं ना सभी अपने अपने दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, इन लोगों के जीने जीवन यापन ही है। तो आगे ना एक दुकान है राशन दुकान, वहाँ पर मैं मिठाई लिया था तो वहीं पर मैं राशन ले लूँगा क्योंकि आगे दुकान मिलेगा या नहीं पता नहीं, कहीं भी रुक सकता हूँ मैं। जहाँ भी बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी ना, अगर आस पास कहीं रहने का जगह मिल जाएगा तो वहीं पर रुक जाऊँगा मैं, सबसे पहले राशन लूँगा उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो फाइनली दुकान पहुँच चुका हूँ, अब सामान लेते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। साइकिल कहाँ खड़ा कर दे। नमस्कार भैया जी, चावल मिलेगा खाने के लिए? हाँ अभी नहीं नहीं कच्चा कच्चा मिल जाए। दे दीजिए 1 kg। कितना चावल? 1 kg 1 kg। राजमा चावल दाल ले लिया, लेकिन पता चला कि आगे पहाड़ गिरा हुआ है, देखते हैं जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे, और आसपास रुकने का कोई जगह होगा तो अपना कैंपिंग करेंगे आराम से रुक जाएंगे, देखते हैं जोशी मठ तक जा पाते हैं या नहीं। कोशिश करेंगे कि उसके बाजू में इधर ही पहाड़ गिरा है, पता नहीं कहाँ गिरा है, समझ से बाहर पूछा भी नहीं डिटेल में और निकल गया। जब पहाड़ ऊपर से ना मिट्टी खिसकती ना तो कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है, पूरा ना ऊपर से पूरा मिट्टी गिरी नीचे, काफ़ी ख़तरनाक ऐसे लैंड होती है इधर। ओह हो, अरे
काफी खतरनाक रोड है ये। ओह ओ, ओ, ओ यहाँ बन रही पुल ना नया, इसी चलते। ओहो जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ना, हेमकुंड जाने वाले रास्ता है, इधर से भी है आगे से भी है। इधर से ये रास्ता ना आगे से है, मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ और मेरा भी दिल कर रहा था ना कि मैं भी हेमकुंड जाऊँ और बाबा जी का आशीर्वाद लेके आऊँ, क्योंकि सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान है हेमकुंड। फिलहाल मैं ना गोविंद घाट से निकल चुका हूँ, अगर आप भी आते हैं ना तो गोविंद घाट पे बस स्टेशन है ना, वहाँ पर शौचालय का व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप शौचालय जा सकते हैं। और फिलहाल अभी ना मैं काफ़ी ख़तरनाक जोन में इंटर कर चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा ना लैंडस्लाइड इसी एरिया में ज़्यादा होती है, क्योंकि ना काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, आप सभी देख ही रहे हैं। इसी चलते ना मैं किनारे किनारे चल रहा हूँ, और फिलहाल व्यू का तो आनंद तो अलग बात है, क्योंकि जब बरसात होती है ना, बरसात होने के बाद जो जब पानी गिरना बंद हो जाती है ना, उसके बाद जो व्यू आती है ना, आहा मनमोहक मनमोहक। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। मैं सभी साधु संतों को गलत नहीं बोल सकता, जिस तरह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी एक जैसे नहीं हैं। जैसे हिंदू में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत हैं, और मुसलमान में भी कुछ लोग हैं जो गलत हैं। एक आदमी गलत होता है ना तो पूरा समाज को गलत ही ठहरा देते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। जर्नी में निकला था ना, उस दिन मेरा पावर बैग चोरी हो गया था, उस दिन ना मुझे ना बहुत बुरा लगा। जहाँ तक मुझे लग रहा ना, जो आए थे ना साधु संत, उन लोग साधु संत नहीं थे, उन लोग को हम मानते ही नहीं थे, क्योंकि ना साधु कभी दारू नहीं पी सकता था। उन लोग ना दारू चिलम आप पता नहीं क्या क्या सूंघ रहे थे पत्ता में ले लेकर, उस सब पूरा ड्रिंक कर रहे थे पूरा नशा में। एक साधु आया सिर्फ सूंघा क्या चीज जलाने के बाद, ऐसा बेहोश हुआ ना उन लोग का टांग का ना ऊपर चढ़ाना पड़ा। उन्हीं लोग ना मेरा पावर बैग चोरी किए थे उन्हीं लोग। अब काफ़ी खोने के बाद भी नहीं मिला, तो सोचा चलो भगवान जाने। अब मेरे नसीब में नहीं था, तो नहीं था मेरे नसीब में वो पावर बैग, फिर दूसरा मुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ का पत्थर ना पक्का है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल नहीं है, कठोर पत्थर है, तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। ओहो आप देख सकते हैं, ओह कुछ इस तरह है यहाँ का जोन। ओह ओ माई गॉड, ओ मोरे बाबा जी। ओह ओह ओ आराम से भाई, आराम से, थोड़ा सा चढ़ा है झारखंड। और यहाँ ना बारिश हो रही ऊपर से, देखिए फुहारा का गिर रही ना। ओह 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 क्या डेंजरस एरिया है ना, खतरनाक वाली। क्या आप राइड करना चाहते हैं ऐसा एरिया में? अगर हाँ तो कमेंट करें, नेक्स्ट ईयर मेरे साथ ज्वाइनिंग हो सकते हैं अगर आना चाहते हैं तो। काफ़ी मज़ा आएगा, और इससे भी खतरनाक खतरनाक ना जगह में जाने वाला हूँ। बस आप सबका प्यार ना इसी तरह बने रहे तो ही जा पाऊँगा मैं, अगर नहीं बना रहा तो पर भी मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है ऑल इंडिया ट्रैवलिंग करने का, और हर किसी का ड्रीम होना चाहिए। चाहे कोई भी काम हो ना, कभी पीछे मुड़ कर देखना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि सपना तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं कि हम ये बनेंगे वो करेंगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बस सपनों में ही समझ जाते हैं, बस सपनों में ही जीना चाहते हैं उन लोग। सपना तो देखते हैं दिन में, और जो दिन में देखता है ना वो जहाँ मैं आया हूँ ना वहाँ आते हैं, आज जो रात में देखते हैं ना वो घर में पड़े रहते हैं। इसीलिए ना ज़िंदगी में हर किसी को सपना देखने का अनुमति है, लेकिन रात में नहीं देखिए। रात में देखने से आप कभी ऐसे स्थान पर नहीं आ सकते। अगर सपना देखना है ना तो दिन का सपना देखो, खुले आँखों से सपना देखो, और अपना ड्रीम पूरा करने का कोशिश करें। ये मत सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, क्या होगा कैसे, कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे। वो ना जब आप घर से निकलेंगे ना तो हर एक चीज़ काम बनते जाएगा। बस भगवान का नाम लेते ही जाइए और सच्चा राह पर चलिए। अगर गलत राह पर चलेंगे ना तो आपको एक दिन बहुत परेशानी मिलेगा। अगर आप सच के रास्ता पर चलेंगे ना, कितना भी कठिनाई कितना भी मुश्किल भरा रास्ता हो, आपको ना सफलता मिलेगा ही तो मिलेगा। माँ बाप का प्यार, गुरु का आशीर्वाद और
दोस्ती बनाना है ना तो भोलेनाथ जी से दोस्ती बना लेना, कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ उतरना पड़ा मुझे, यहाँ सिर्फ मुझे उतरना पड़ा कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा घाटी ना ऊँचा था, इसी चलते तो यहाँ पर भी ना पत्थर गिरा है और आज ही गिरा है पत्थर। फिर तो ना जीसीबी भी आ लेना, साड़ कर चुके हैं पूरा पत्थर, और दिक्कत ना बहुत दिक्कत होती है इसी जगह पर, ऊपर से पत्थर गिरी सारा पत्थर देख सकते हैं, और कहीं कहीं ना बड़ा पहाड़ गिर जाती है ना तो पूरा रोड ही जाम हो जाती है। कब पहाड़ गिरेगा कोई गारंटी नहीं है, और कब पूरा रास्ता जाम हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर ना काम स्टार्ट है, ऊपर जीसीबी लगी हुई है और काफ़ी सारे जितना भी काम कर रहे थे ना सभी अभी बैठे हुए थे, और जब तक रास्ता नहीं बनेगा ना तब तक किसी तरह ख़राब ही रास्ता मिलेगा हर जगह। अब पानी गिरने के बाद ना और ख़राब हो जाती है, पूरा कचरा 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 कचरट। ओह ओह, इधर ना पूरा रास्ता ना पिछड़ना है, और थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे ना तो गिर जाएंगे। इसी चलते ना बरसात के दिन में ना राइडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओहो, तो रास्ता में ना मिट्टी मिट्टी हो रखी है, और झूल कर गिर जाने का ज़्यादातर डर रहता है ऐसे समय में। यहाँ पर कुछ पल रुकते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि मुझे कुछ खाना है और कुछ दिखाना है। ओहो हो, ला ला ला। तो फाइनली गाइस जोशी मठ आ चुके हैं, और यहाँ से सिटी ना दिखाई पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों पर बसा हुआ है ना पूरा इसी चलते, और यहाँ का झरना कुछ अलग लेवल का है, और रास्ता भी ना काफ़ी खतरनाक बा, खतरनाक है। तो हम भी खतरनाक हैं का लगता है, मन के बहकावे में ही आकर। और यहाँ के लोग बोल रहे थे ना कि जंगल में भालू और तेंदुआ बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह ना 12 बजे नहीं 10 बजे के बाद ना साइकिल अलाउड नहीं है ना मोटरसाइकिल अलाउड है, आप फोर व्हीलर से इधर से गुजर सकते हैं, क्योंकि ना भालू बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में बहुत ज़्यादा, और लैंड स्लाइड ना यहाँ कभी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी ना दलदल है, मतलब क्या बोलते हैं मजबूत नहीं है, पावर में नहीं है। तो फाइनली गैस विष्णु प्रयाग धाम पहुँच चुके हैं, और इन्हीं की कृपा से मेरा बद्रीनाथ धाम संपूर्ण हुआ, और आज मैं इधर से लौट रहा हूँ, और यहाँ पर रुक सकता हूँ रात को या नहीं मुझे नहीं पता, आगे रुकने का बेचता है तो वहीं चल जाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ से देख लेते हैं अगर कहीं होगा तो रुक जाएंगे। फिलहाल तो पूरा पानी ना देख सकते हैं कितना ख़तरनाक पानी आई है बाढ़ जैसा, जहाँ सोए थे ना वहीं पर जाते हैं, वहीं पर नाइट होल्ड करेंगे, कैंपिंग करेंगे मस्त से। यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर ना मेरा मोबाइल चार्जिंग हो जाता, क्या करें। तो अभी मैं आ चुका हूँ जोशी मठ, और जिस दिन यहाँ से गया था ना और नाइट स्टे किया था, जहाँ पर यहाँ पर है ना पुलिस चौकी जहाँ पर चेकिंग पोस्ट है, तो यहीं पर मैं आज भी रुकने वाला हूँ, और आज ना वेदर पूरा साफ़ कर दिया स्टे, पूरा वेदर साफ है, और कोई गारंटी नहीं है आधा घंटे के बाद साथ बारिश हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ का। तो फिलहाल अभी 1 घंटा पहले मैं आया था यहाँ पर, लेकिन पुलिस वाले जितने भी थे ना मेरा साइकिल अभी चला रहे थे, तो इसी चलते मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, सोचा क्यों ना वीडियो एंड भी करना ज़रूरी है ना, इसी चलते मैं सोचा क्यों ना हम बता देते हैं कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। मेरे साथ ना मेरे डॉगी भी है, और मेरे साथ ही बैठा हुआ है जब से मैं आया हूँ ना तब से। तो ठीक है, अब रात होने देते हैं, रात में देखते हैं क्या क्या बनाते हैं क्या क्या खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं रात को बारिश होगी या क्या होगी पता नहीं। और फिलहाल ना मेरे पास चार्जिंग डाउन हो चुकी है, तो देखेंगे कहीं चार्जिंग बेचता होगी तो कर लूँगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा जैसे भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा।